असम, नागालैंड, सिक्किम समेत कई राज्यों के सीएम के साथ कल बैठक करेंगे पीएम मोदी। कोरोना की स्थिति की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा, बाद में किया गया रिस्टोर। इंदौर में काफिला रोक, रेहड़ी वालों के बीच गए शिवराज, फिर दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से की मुलाकात। कोविड नियमों का उल्लंघन होने पर अब दिल्ली में जनपद बाजार को अगले आदेश तक किया गया बंद। लखनऊ में दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मध्यप्रदेश में रेड अलर्ट जारी, गृहमंत्री ने दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंगवाल बस स्टैंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑटो वाले को रोक देखकर अपना काफिला रुकवाया। वहां पर सीएम ने ऑटो वालों का हालचाल जाना। इसी के साथ सीएम सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाली अम्मा से भी मिले और उनसे बातचीत भी की। टीकाकरण को लेकर भी सीएम ने ऑटो चालक को जानकारी दी और ये भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। सीएम ने मीडिया से भी रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवा नेताओं की काफी ज्यादा कमी है। इसी के साथ कांग्रेस द्वारा कोरोना के आंकड़ों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने इस महामारी के समय में किसी की भी मदद नहीं की है, उन्हें सिर्फ राजनीति करना आती है। कांग्रेस के नेता किसी की भी कोई मदद नहीं कर सकते। आप भी सुनिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। लोग तो आए तब तो प्रदर्शन हो, अभी तो दर्शन हो पाते हैं इनके। दरअसल कोविड के आराम के बाद में हम कुछ कर रहे हैं, ये कुछ बुजुर्ग दिखाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जनता तो कांग्रेस के आंदोलन में कभी रही नहीं, अभी भी नहीं रहेगी। ये अखिलेश यादव यूपी पुलिस से भरोसा नहीं कर रही है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के जारी होने के बाद अब अन्य राज्यों में भी इसको लेकर सुगबुगाहट होने लगी है। कई अन्य राज्यों में जनसंख्या कानून बनाए जाने की मांग के स्वर उठने लगे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून नीति का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है। विश्वास सारंग ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है कि इसे कानून के दायरे में लाया जाए। मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से सरकार में काम होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानूनी परिधि में ये विषय जरूर आना चाहिए। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उसके माध्यम से ही हम इस देश। इंदौर में फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर पदोन्नति लेने के मामले में एमडी रोड पुलिस ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले एक महिला के द्वारा आईएएस अधिकारी के खिलाफ मारपीट के मामले में केस दर्ज किया गया था। जानकारी मिली कि केस दर्ज होते ही अधिकारी ने निर्दोष होने से झूठे कागज तैयार करवाए और इसके बाद ही उन्हें पदोन्नति मिली थी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही जारी है। अधिकारी तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। फिलहाल पुलिस की हिरासत में अधिकारी से पूछताछ की जा रही है।
देखिए 27 जून को और जिला न्यायालय इंदौर की तरफ से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय सिंह रावत जी के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था थाना एमजी रोड में कि कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा न्यायालय निर्णय की फर्जी प्रति तैयार की गई है इस संबंध में, और इस आवेदन पे जो है असल अपराध कायम किया गया एमजी रोड में, और ये 420, 467, 468, 471, 120B इन धाराओं में मुकदमा कायम था। इसके बाद उसमें विवेचना प्रारंभ की गई और इसमें जो है मुख्य मामला ये था कि संतोष वर्मा जो IAS हैं और अभी वर्तमान में नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं, इनके द्वारा जब इनका IAS अवार्ड होने वाला था उस समय जो है न्यायालय निर्णय की प्रति एक फर्जी प्रति कुछ लोगों ने तैयार की थी और उसका इनके द्वारा उपयोग किया। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहबाज सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहबाज, IAS अधिकारी और वो भी पुलिस की गिरफ्त में, क्या आरोप लगे इन पर? सर, IAS अधिकारी संतोष वर्मा साहब पे आरोप लगे हैं कि उन्होंने पदोन्नति के लिए एक फर्जी आदेश कोर्ट का, जिस दिन का आदेश है, सबसे बड़ा रोचक मामला इसमें यह है कि जिस दिन का आदेश वो तैयार करके उन्होंने प्रस्तुत किया है उस दिन मजिस्ट्रेट छुट्टी पे थे, वो आदेश बनाकर इन्होंने पदोन्नति ली है जिसके तहत इन्हें इनको एमजी रोड थाने में गिरफ्तार किया गया है। ये जो अधिकारी जिनके बारे में आप बता रहे हैं ये किस विभाग में तैनात है? ये अपर कलेक्टर उज्जैन रहे हैं, इनकी एक महिला मित्र थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, उसके द्वारा एक प्रकरण लसूड़िया थाने में दर्ज कराया था जो कि विचाराधीन था, उसका झूठा आदेश, फर्जी आदेश तैयार कर इन्होंने पदोन्नति के लालच में एक झूठा आदेश लगाकर पदोन्नति प्राप्त की है जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया और अभी मामला जांच में है। शहबाज जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं रीवा में लापता मोस्ट वांटेड अपराधी का शव मिलने के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मृतक के परिजनों ने पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए सिविल लाइन थाने के सामने हंगामा करते हुए शव को रखकर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और परिजनों को समझाया। काफी मशक्कत के बाद 4 लाख रुपए के मुआवजे और पुलिसकर्मियों पर जाँच के आश्वासन के बाद परिजन माने और जाम खुलवा दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। ये मोस्ट वांटेड अपराधी था, निश्चित रूप से आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था। इसके ऊपर सिविल लाइन में 25 अपराध हैं विभिन्न धाराओं के, जिसमें मारपीट, चोरी, लूट, डकैती की योजना बनाने के, NDPS एक्ट के, इसके बाद कोतवाली में भी इसी तरह के बहुत सारे अपराध इसके विरुद्ध हैं। 4 अपराध टोटल इसके रीवा में 29 अपराध दर्ज हैं पूर्व से ही। ये NDPS एक्ट में सिविल लाइन के पुलिस के लिए वांटेड था, पुलिस इसकी तलाश भी कर रही थी और ये बिहार पुल पे इस अपराधी जो नदी है ये कई बार पहले भी कूद चुका, आतन रहा है कि अक्सर कूद जाता था और उसके बाद फिर गायब हो जाता था, फिर आ जाता था। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आई थी कि पुलिस इसको तलाश कर रही थी। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। जनता वैक्सीन लगवाने के लिए धक्के खा रही है लेकिन वैक्सीन का अता पता नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह ठप हो गया है। जनता वैक्सीन के लिए धक्के खा रही है लेकिन वैक्सीन का कहीं अता पता नहीं है और जिम्मेदार लोगों द्वारा बेतरतीब बातें की जा रही हैं। पहले कहा गया कि 45 साल से ऊपर वालों के दिन अलग रहेंगे, फिर 18 से 45 का दिन अलग, फिर हफ्ते में केवल 3 दिन लगाई जाएगी। अब तो किसी भी दिन वैक्सीन नहीं लग रही है, घंटों धक्के खाने के बाद भी कहीं वैक्सीन नहीं है। अब तो सरकार के द्वारा बाकायदा निर्देश जारी कर दिया गया है कि अगले 3 दिन मध्य प्रदेश में अभियान पूरी तरह ठप रहेगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही है, वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करवा पाए जिसका परिणाम प्रदेश की जनता परेशान हो रही है और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के लिए सरकार की लापरवाही भारी पड़ेगी। मंदसौर से भाजपा के सांसद सुधीर गुप्ता ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की एक बार फिर वकालत करते हुए अभिनेता आमिर खान को लेकर विवादित बयान दिया। सुधीर गुप्ता ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि जनसंख्या असंतुलित हो चुकी है, आमिर खान जैसे लोगों की वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। सुधीर गुप्ता ने अभिनेता आमिर खान को अंडे बेचने वाला ही बताया। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की वकालत कर चुके हैं। सुधीर गुप्ता ने कहा कि देश में संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इसीलिए
जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। तभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है, अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने दो बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ। वहीं रतलाम में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर महिला पटवारी को गिरफ्तार किया है। महिला पटवारी 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार की गई है। महिला पटवारी रचना गुप्ता पर आरोप है कि उसने जमीन की पावती बनाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त से की थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। जी, अभी क्या है कि अपना आदेश हमारा प्रकरण भी चल रहा था पारिवारिक, जिसको अभी न्यायालय में लगभग 6-7 महीने हो गए हैं। अभी उसका बिल्कुल न्यायालय के आदेश अनुसार दोनों पार्टी का समझौता भी हो गया था। उसके बाद दोनों पार्टी को न्यायालय के आदेश से, यानी कि इन्हीं को पूरा परमिशन दे दी गई थी कि दोनों को आप अलग अलग हिस्से पाती करके दे दीजिए, ताकि दोनों पार्टी लड़े ना। उस विषय में सब इन्होंने आए, मौके पर आए भी सही, नक्शा भी बनाया, सीमांकन भी कराया इन्होंने। उसके बाद में फिर ये पावती के लिए बहुत लेट हो गया, मतलब उनसे हमने जानकारी मांगी फिर कि मैम इतना लेट क्यों हो रहा। तो इनका कहना है कि 10-15 हज़ार रुपये लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। हमने पैसे किस बात के बोलेंगे, देना हो तो जल्दी काम हो जाए, नहीं तो इतने दिन ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ा है और पेंडिंग में पड़ा हुआ रहेगा। मैंने ठीक है मैडम लीजिए 5,000 रुपये, फिर मैंने मेरे भैया के साथ पहुँचाएँ उधार लेके, और उसके बाद फिर 5,000 रुपये इन्होंने आज की डिमांड करी थी। ये गोपाल गुजर हैं, ग्राम पलसोड़ी रतलाम के रहने वाले हैं। इन्होंने इनका कोई न्यायालय में वाद चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने आदेशित कर दिया था इनकी जो खाते अलग अलग कर दिए गए थे। न्यायालय के आदेश से ही सीमांकन हो के और खाते अलग अलग का नक्शा हो गया था। उसकी पावती बनाने के लिए पटवारी को आदेशित किया हुआ था। पटवारी ने अभी तक पावती नहीं बनवाई, जब रचना गुप्ता ने तो ये उनसे मिले थे 8 तारीख को, ये मिले थे तो उन्होंने 10,000 रुपये की मांग की गई थी रिश्वत की, तो आप लेकर आ जाओ। रीवा राजघराने से निकलने वाली ऐतिहासिक परंपरा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को रोक दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल भी यात्रा पर रोक लगाई गई है। पिछले 2 सालों से इस यात्रा पर रोक लगी है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ लू लगने से बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान 15 दिनों तक भोग में उन्हें खिचड़ी और ठंडाई दी जाती है। राज्य वैद्य आकर भगवान को दवा देकर इलाज करते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा 108 कलश औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान लू की चपेट में आ जाते हैं और भगवान को तेज बुखार आता है, जिसके बाद भगवान को आराम करने के लिए अलग स्थान दिया जाता है। आज रथ यात्रा का पावन और पवित्र पर्व है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पुरानी, सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार शहर भ्रमण करते थे और मानस भवन में रात्रि विश्राम करते थे। फिर हम लोग वहाँ रात्रि को पूजा अर्चना उनकी सेवा करते थे, और इसके बाद दूसरे दिन बृहद भंडारा होता था और भगवान को हम लोग वहाँ से विदा करते थे। भगवान भक्तों को दर्शन दे के, ये 2 दिन का कार्यक्रम होता था, और दूसरे दिन दर्शन दे के फिर यहाँ आके विराजमान। महंगाई और पेट्रोल डीजल समेत रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। सोमवार को रीवा में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव इमरान मंसूरी के नेतृत्व में शहर में साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस इमरान मंसूरी के नेतृत्व में इस साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। महंगाई विरोधी संघर्ष यात्रा कर रहे हैं, जो 400 किलोमीटर हम चल रहे हैं, और हम
हमारी मांग यह है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम कम किए जाएं, नहीं तो यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन करने में बाध्य होगी। मेरा जैसा आम व्यक्ति जो कि विकलांग है और ट्राईसाइकिल से चलते हुए 400 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है, उसको पता है मध्यवर्गीय परिवार का हाल क्या है, गरीब का मजदूर का हाल क्या है। पेट्रोल के इस दामों को कम किया जाए और नहीं तो यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन करने में बाध्य होगी। इमरान मंसूरी, प्रदेश महासचिव, युवक कांग्रेस। इंदौर के द्वारिकापुरी पुलिस ने शातिर बदमाशों की प्लानिंग को फेल कर दिया है। दरअसल 5 शातिर बदमाशों ने एक मकान में डकैती की योजना बनाई थी और बाद में बदमाशों की डकैती की भनक पुलिस को लग गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मौके का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार को भी बरामद कर लिया है। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए दो छात्र कुंड में डूब गए। 500 फीट नीचे कुंड की गहराई बताई जा रही है और धीरे धीरे करके छात्र पानी में डूब गए। दोनों के साथ 4 और छात्र पिकनिक मनाने के लिए गए थे, वहीं कुंड में डूबे दोनों छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पुलिस शवों को बाहर निकालने में नाकाम हो गई। वहीं परेशानी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है। वहीं खरगोन जिले में बीते दिनों जनपद अध्यक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर जिले के सीईओ और उपमंत्री ने आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि आत्महत्या के कारणों का पता चलने के बाद भी संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पूरे प्रदेश की समस्त जनपदों में आज हड़ताल की गई और एक ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम सौंपा गया है। आज संयुक्त मोर्चा द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। काम के प्रति काम का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को लेके जैसा कि संयुक्त मोर्चा द्वारा भोपाल से ही निर्देश थे कि प्रत्येक जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर संयुक्त मोर्चा द्वारा एक दिवसीय अवकाश लेकर सामूहिक धरना दिया जाएगा और धरने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी महोदय को बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।